Hey y'all, it's me, Unpopular Didi. So y'all, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे विंटर एसेंशियल्स जो आपके पास जरूर होने चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि किसको किस चीज के साथ लेयर करना है विंटर्स में, एंड आई एंडेड अप लुकिंग लाइक अ पोलर बियर। बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू इट एनीमोर। मैं इस वीडियो में कुछ आपको बेसिक टिप्स भी दूंगी कि कैसे आपको अपनी लेयरिंग करनी है, क्या क्या कपड़े आपको पहनने चाहिए इस विंटर्स में, एंड कुछ ऐसे बेसिक क्लोथिंग आइटम्स के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी ताकि आप भी उसको बाय कर सके एंड इस विंटर्स अपनी लेयरिंग गेम को थोड़ा अप कर सके। सो लेट्स बिगिन। शैल वी? सो द फर्स्ट विंटर एसेंशियल आइटम दैट यू नीड टू हैव इज दिस वन। आपको एक ब्लैक फुल स्लीव हाई नेक टॉप जरूर आपके पास होना चाहिए बिकॉज यू ऑल द नंबर ऑफ वेज आई कैन पेयर दिस अप इज इनसेन। मतलब इतना वर्सेटाइल है ये मुझे Amazon से मिला था एंड आई थिंक अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस जो Amazon पे अवेलेबल है या और भी कोई साइट्स में आप देख सकते हो। बट गेट दिस इन हाई नेक एंड ऑल्सो ये इसका जो हाथ है इट ऑल्सो कवर्स योर फिंगर्स विच इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। मैंने इसको इतने सारे हुडीज के साथ पहना है एंड इतने सारे कार्डिगन्स के साथ पहना है दैट इट इज जस्ट माई फेवरेट पीस टू हैव। ये सिंथेटिक फैब्रिक है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, तो आप इसके ऊपर कितना भी स्वेटर, कोई भी चंकी स्वेटर पहनो, यू आर स्टिल गोना फील सो कंफर्टेबल। आई लव दिस। सो यू ऑल, द नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज दिस फॉल्स कॉलर। मैं बता नहीं सकती कि इसके इतने सारे यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विंटर्स में लेयरिंग इज अ मस्ट एंड नथिंग कम्पीट्स विद दिस, क्योंकि ये आप इतने सारे चीजों के साथ पेयर अप कर सकते हो। आप इसको ड्रेसेस के साथ पेयर अप कर सकते हो, स्वेटर्स के साथ कर सकते हो, स्वेट शर्ट के साथ कर सकते हो। ऑल्सो ये एक डायमेंशन भी देता है आपके आउटफिट को। मैं तो इसको समर्स में ही पहनती हूँ बट विंटर्स में इट्स अ टोटल गेम चेंजर। अदर देन दैट, इसमें आपको मेंटेनेंस की कितनी जरूरत है फॉर समवन लाइक मी हू लाइक्स टू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स एवरी सिंगल डे। मतलब आपको एक पूरे शर्ट को धोने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बहुत जल्दी सूख भी जाएगा एंड इतना मेंटेनेंस का इशू नहीं है। आई थिंक इट इज समथिंग दैट एवरीवन शुड हैव इन देयर वार्डरोब्स। सो यू ऑल, द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव इन योर वार्डरोब इज टर्टल नेक टॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है। अगर आपके नेक को कोई चीज कवर कर रही है ना, तो फिर आपका विंटर्स बहुत ईजिली निकल जाएगा। फैशन तो चलो साइड में रखो, बट आपका नेक कवर होना बहुत जरूरी है विंटर्स में। लेट मी टेल यू, ये वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आउटफिट्स बन सकते हैं अगर आप इसको ढंग से लेयर करो तो। कि आप इसको स्वेटर्स के साथ पहन सकते हो, कार्डिगन्स, स्वेटशर्ट्स एंड ऑल्सो ब्लेजर्स, कोट, सबके साथ ये चल जाएगा। एंड लास्टली, दे आर टाइमलेस। मतलब पहले के टाइम पे भी दे वर वेरी पॉपुलर, अभी भी दे आर वेरी पॉपुलर एंड आने वाले टाइम में भी दीज आर गना स्टे। सो ये कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होंगे, डोंट वरी, गेट दीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दिस ऑलरेडी, बट गर्ल यू कैन वेयर स्कर्ट्स इन विंटर्स। अगर आपको नहीं पता ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं कि समर से ज्यादा स्कर्ट्स मैंने विंटर्स में पहने जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गाइज। गेट योर हैंड्स ऑन फ्लीस मटीरियल, इसका जो मटीरियल है इट इज गोना स्टे एंड ये आपको इतना वार्म रखेगा मैं आपको बता नहीं सकती। डू नॉट वेयर इट लाइक अभी नवंबर के टाइम पे तो बिल्कुल मत पहनना। इट्स लाइक थोड़ा सा ठंड बढ़ जाएगा तो फिर दिस इज गोना सेव योर लाइफ। मतलब आई हैव दिस इन टू कलर्स, एक ब्लैक में है एंड एक बेज में है। आई हैव दिस फ्लीस मटेरियल जिसमें सॉक्स अटैच नहीं है, व्हेयरएज मेरे बेज वाले फ्लीस में दे हैव सॉक्स। सो मेरे बेज वाले फ्लीस में सॉक्स भी है एंड ऑल्सो इट इज वेरी स्ट्रेचेबल। मतलब आप इसको जितना भी स्ट्रेच कर लो इट्स वेरी स्ट्रेचेबल। जो इसमें फ्लीस मटेरियल है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसको पूरे दिन आराम से पहन सकते हो विंटर्स में जब बहुत ठंड हो, तो इट्स वेरी सॉफ्ट एंड इट फील्स वेरी गुड अगेंस्ट योर स्किन। लास्ट विंटर्स में आई लिटरली स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम वेयरिंग दिस विद माय हुडी एंड इट वाज सो गुड। एंड अगर आपको ठंड में बहुत ठंड लगती है तो मेरी बात सुनो, अपने जीन्स, पैंट्स या फिर कुछ भी जो भी आप पहनते हो उसके अंदर अगर आप ये फ्लीस मटेरियल पहनोगे ना, आई स्वेयर तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, सत्य वचन। सो यू ऑल, एज यू ऑल नो, विंटर्स पास आ रहे हैं, सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मामा अर्थ। तो जैसा कि आपको पता है, विंटर्स पास आ रहे हैं एंड विंटर्स में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है जो कि है हेयर फॉल। एंड एक्सेसिव हेयर फॉल से बालों की थिनिंग हो जाती है एंड बाल बहुत पतले और बेजान लगते हैं। सो इंट्रोड्यूसिंग मामा अर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल रेंज। इस हेयर केयर रेंज की खासियत यह है कि इसमें रोजमेरी और मेथी दाना है जो कि बहुत सेफ एंड इफेक्टिव वे है हेयर फॉल रोकने के लिए और न्यू हेयर ग्रोथ के लिए।
इसके कॉम्ब एप्लीकेटर की मदद से मैंने बहुत इजीली अपने बालों को ऑयलिंग कर ली है एंड ये काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टिकी एंड लाइट वेट फॉर्मूला है जो कि बालों को नरिश भी करता है। एंड इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडियन एंड प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है विच इज़ मेड सेफ सर्टिफाइड एंड फ्री फ्रॉम एनी टॉक्सिक केमिकल्स एंड आर ऑल नेचुरल। Now talking about the shampoo, it is a very mild shampoo which gently cleanses the scalp. Excessive chemicals in the shampoos can lead to hair fall and damage, but this one is free from any toxic chemicals, that's why it's so good for the hair. So after applying shampoo on the top of my head, I go for the bottom, and after that I like to wash it off immediately. Then after removing all the excess water, I like to go in with the conditioner. Mama Earth products are available on Mama Earth, Amazon, Nykaa, Flipkart and Purple. These are also available in the nearby stores. Mama Earth is on Plant Goodness initiative. Every time you buy from them, they will link your order to a tree that they plant. The exact geolocation, picture and the species of the tree will be sent to you. काफ़ी दिनों के यूज़ के बाद आई कैन सी कि मेरे बालों में हेयर फॉल की दिक्कत कम हो गई है और न्यू बेबी हेयर भी मैं देख सकती हूँ। Use my code FRANCIS2023 to get 20% off on your purchase at mamaearth.in or in app. So the next thing in my list is one of the most important things. Stockings. Y'all, I have a lot of them and I have worn it like 1,000 times now. Matlab, these are something that you need to have, especially agar aap skirts pehna chahte ho winters mein or you want to wear shorts tab aapko thand lagti hai, aap isko definitely iske sath pair up kar sakte ho and aapko bilkul bhi thand nahi lagegi. Jo stockings hote hain na, wo apne sheerness and transparency ke liye jane jate hain and ye aap dekhoge ki aapke legs ko ye kitna smooth dikhata hai without even covering the full legs and also ye kafi zyada elegant and sophisticated and polished look deta hai. Ek to ye acche dikhte hi hain, uske upar se bahut variety mein aate hain. We have opaque black stockings, transparent black stockings, opaque beige stockings, transparent beige stockings, have net stockings, designer stockings, bahut tarike ke se stockings aate hain and also we have thigh high stockings. तो ऐसे बहुत स्टाइल्स में अलग अलग वैरायटीज में स्टॉकिंग्स आते हैं जो आप अपने अपने टेस्ट के अनुसार पहन सकते हैं कि आप इसको कहीं भी पहनो तो एक एलिगेंस आता है. कहीं भी आप जाते हो, ऑफिस में जाते हो, वर्क के लिए जाते हो या फिर कोई कॉलेज में कोई फंक्शन है तो आप पहन के जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड एलिगेंस आता है. आपने देखा होगा बहुत सारे एयर होस्टेस होते हैं जो स्टॉकिंग्स पहनते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक एलिगेंस एंड प्रोफेशनलिज्म को दर्शाते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो देख के. सो this is like the basic thing that you need to have. So let's talk about the next winter essential item that you need to have. Agar aap mujhse puchoge ki main kya collect karti hu, to mera answer na to bags hoga na to shoes hoga. That will be socks. I have a huge variety of socks and main bahut tarike ki socks khareedti hu. Let me show you all what I got. So I have got the basic white socks, slightly cool cutting chai socks, a very extra cartoon socks, cute white floral socks, and this is funny, cat socks, fleece socks, net socks, colored socks and much more. Y'all, मतलब बहुत सारे variety के socks हैं. जैसे ज़मीन से ही इंसान को ठंड लगती है विंटर्स में एंड अगर आप नंगे पैर चलते हो तो ये आपके पैरों के लिए काफ़ी ज़्यादा यू नो बुरा हो सकता है. आपके पैर में रेड निशान पड़ सकते हैं या फिर आप अगर मॉइस्चराइज करके नहीं रखते हो और उसको सॉक्स पहन के नहीं रखते हो तो फटने के चांसेस भी होते हैं विंटर्स. तो फिर जो सॉक्स होते हैं, अगर आप अच्छे क्वालिटी सॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड यू नो सफल रहेंगे. सो यू ऑल, द नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज ग्लव्स एंड विंटर्स में स्पेशली my hand becomes very cold. I would always prefer to wear gloves outside. तो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एक elegant gloves खरीदे थे Amazon से. And ये जो gloves था, it is net का gloves. And बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कितना help करता है winters में. I would say, rather than going bare hand, I would always prefer wearing gloves. Because first of all, they look very elegant. And एक तरीके से एक protection मिलता है हाथ को. I mean, look at this. They look so pretty, so gorgeous. उसके अलावा मेरे पास ये ब्लैक के नेट के ग्लव्स हैं
मतलब वही है कि ये जो नेट के ग्लव्स है वो इतना प्रोटेक्शन नहीं देगा जो आपके वूलन ग्लव्स देंगे, बट दिस इज लाइक अ फैशन स्टेटमेंट जो आप पहन सकते हो जस्ट टू एलिवेट योर लुक. बट इफ यू वांट टू गो फॉर समथिंग वार्मर तो आप वूलन ग्लव्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. जैसे फॉर इंस्टेंस दिस ग्लव्स, लाइक इट गिव्स यू नो प्रोटेक्शन बट स्टिल एक तरीके से ये फैशन पीस है, तो फिर वो सोच के मैंने खरीदा था एक टाइम पे. एंड या आप अपना फोन भी चला सकते हो, सो दिस समथिंग दैट यू कैन वेयर, बट वही है इतना प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा ये पहन. सो द नेक्स्ट बेसिक एसेंशियल आइटम दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कैप्स. दैट कैन बी वुलन कैप्स ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रेंच कैप. मेरे पास ये दोनों हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मतलब लास्ट विंटर्स में आई वोर दिस एंड मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया. ऑल्सो ये फैशन स्टेटमेंट पीस भी है क्योंकि दीज आर वाइट इन कलर एंड ऑल्सो यू ऑल इट लुक्स वेरी क्यूट. I got a similar one in black color. आपको white shades नहीं पसंद, then you can definitely go for the black ones. So these look very sophisticated and nice. So the next basic essential item is scarf. आपने बहुत सारी videos already देखी होंगे कि कैसे लोग अपने scarf या फिर muffler को as you know अपना head and गला cover करके पहनते हैं, and that looks very cute and nice. Get a scarf before winters. This. So the last winter essential item that I have for you is footwear items. Get yourself some boots, guys. It's high time. खर्चे so y'all कपड़ों में हम जितने भी कम खर्चे करें सस्ते कपड़े खरीद लें, but when it comes to footwear I would suggest कि आप always good quality footwear में invest करो, क्योंकि I got these from H&M and ये इतना अच्छा है. Let me tell you all, I got a lot of compliments for these boots. मैं एक snowy पहाड़ में गई थी and then I wore this. इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, it was same, it was water resistant and ये इतना अच्छा है कि मुझे इतने सारे लोगों ने compliment किया. एक आर्मी ऑफिसर ने मुझे compliment किया कि ये जो boots हैं ये 3 से 4 साल तक चल जाएंगे, तुम अगर किसी को धक्का भी मार दोगे ना इससे वो इंसान उड़ जाएगा. मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, ही वाज लाइक सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इट्स रियली गुड एंड तुम्हें कभी भी चोट वोट नहीं लगेगी ये पहन के. इन्वेस्ट इन बूट्स, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा कॉस्टली है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर समथिंग एल्स. मैं आपको दिखाती हूँ क्या. सो आई गॉट दीज बूट्स फ्रॉम अमेजोन एंड आई थिंक दे आर वेरी गुड एंड मुझे ये बहुत कम प्राइस रेंज में मिल गया एंड इसमें थोड़ा सा हील है बट इसको पहन के वो फील भी नहीं होता है. अगर आपको कम प्राइस में कोई बूट्स चाहिए जो आपके आउटफिट्स के साथ मैच करे, आई थिंक दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन एंड इस प्राइस रेंज में मिलना है, इट्स गुड. सो आई विल लीव अ लिंक ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. सो यू ऑल, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.